था? अब इसमें एक पॉइंट लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इसमें लिखा है, डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेस विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। मतलब इसमें यह समझाया गया है कि जैसे तुमने कल देखा था, इंटरनेशनल रिसोर्स में हम 200 नॉटिकल मील्स से आगे के एरिया पर अगर जाते हैं तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ठीक है, अगर वहाँ पर हमें कुछ काम करना है, कोई रिसर्च करनी है, कोई मतलब कोई चीज़ को ढूंढना है, ठीक है, तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें ये लिखा है कि इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन समझते हो? इंडियन ओशियन किस पार्ट में पड़ता है इंडिया के? नहीं पता? पेनिनसुलर पढ़ाया था तुम्हें 9th क्लास में, याद करो। एक साइड अरेबियन सी होता था, दूसरे साइड वेस्ट बंगाल होता था, और जो नीचे की साइड जो श्रीलंका है उधर साइड इंडियन ओशियन होता था। यानी कि इंडियन ओशियन में भारत को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मैग्नीज को सर्च करने के लिए काम कर रहा है भारत। तो इसके लिए उसने किससे परमिशन ले रखी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। बात क्लियर है? इस चीज को ध्यान से रख समझेंगे, ठीक है, कि मतलब किस चीज की भारत मतलब इंटरनेशनल स्तर पर क्या काम कर रहा है, कि मैग्नीज की सर्च में काम कर रहा है। आप देखो लास्ट वाला तुम्हारा रिसोर्स जो है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मतलब हम इसमें देखेंगे कि रिसोर्स हमारा कितना डेवलप्ड है और जिसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। मतलब ये हुआ कि किसी एरिया में हमें रिसोर्स प्राप्त हुआ और जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यूटिलाइज का मतलब समझते हो तुम लोग? उपयोग करना, ठीक है। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? जैसे इसका फिर एग्जाम्पल दे रखा है कि ऐसे रिसोर्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न का मतलब होता है, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। तो पश्चिम में भारत का जो रिसोर्स है, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान, क्या कहते हैं? पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। मतलब ये हुआ, आप तो सभी लोग जानते ही हैं कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, और वहाँ डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट का नाम बता सकते हो? थार डेजर्ट, ठीक है। तो अब तुम खुद ही देख लो कि अगर वहां पर हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो हमें कितनी ज्यादा मतलब क्वांटिटी में लाइट बनाई जा सकती है, पर फिर भी हम उस डेजर्ट का यूज नहीं कर पा रहे। मतलब उसमें काम करने की क्षमता तो है पर उससे हम काम ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। मतलब वो काम तो कर सकता है पर हम उससे काम कैसे करवाएं, मतलब उसके लिए पूरी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तो वो यूज हम कर नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आई? ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। एग्जाम्पल में तुम देखे आना थार डेजर्ट। अब डेवलप्ड रिसोर्स है, डेवलप्ड तो तुम सभी जानते हो, मतलब एकदम रेडी, जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब ये हुआ, इसमें रिसोर्सेस का हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते हैं और डिटरमाइन करते हैं, मतलब जांचते हैं कि ये हमारे उपयोग के लिए हैं या नहीं है। तो इसमें लिखा है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। मतलब जो रिसोर्स हमने प्राप्त किया है वो किस पर डिपेंड करता है? कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो हमारे उपयोग में आसानी से आ सकता है या नहीं आ सकता, तो उसे कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। यानी कि कोई भी चीज, जैसे मान लो कि तुम्हें जमीन से कोई चीज मिले, ठीक है, मिले का मतलब है कोई, मतलब बहुत सारी पुराने जमाने में लोग जमीन के नीचे चीजें छुपा देते थे। अभी थोड़े दिन पहले अपने जो मैनपुरी यहाँ से पास में ही है, वहां पर 3800 साल पुराने लोगों के मतलब तांबे के बने हुए चीजें मिली हैं, ठीक है, तांबे की बनी हुई चीजें मिली हैं, ठीक है। अब उनका हमारे लिए कोई यूटिलाइजेशन तो है नहीं है, वो उस जमाने के लिए रिसोर्स थे, और इस टाइम में हम क्या करेंगे उन भाला और तलवारों का, ठीक है। तो उनमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है और ना वो आज के जमाने में यूज किए जा सकते हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो म्यूजियम में जाएंगे, मतलब जिनको लोग देखेंगे पुराने टाइम में ऐसे लोग इस्तेमाल करते थे। ये हमने कौन से रिसोर्स बताए? डेवलप्ड रिसोर्स। अब हम देखेंगे बेटा स्टॉक, ठीक है, कौन सा स्टॉक? अच्छा, जो दुकान करते होंगे उन्हें समझ में आता होगा स्टॉक, या मतलब स्टॉक समझते हो? जमा करके रखना,
जमा करके रखना है, यानी कि जैसे कोई सीजन चलता है, जैसे सीजन क्या, अभी वैसे बरसात आने वाली है, ठीक है, तो लोग मतलब बरसात के टाइप जैसे जिसकी दुकान होगी उसी टाइप से मतलब जमा करके रखेंगे सामान, जो भी बरसात में ज्यादा सामान यूज किया जाता होगा उनकी दुकान से या ज्यादा बिकता होगा तो उसी को क्या करेंगे, जमा करके रखेंगे। बात समझ में आई? उसे हम कहते हैं स्टॉक, यानी कि ऐसा रिसोर्स जिसको हम यूज कर सकते हैं बाद में। तो इसमें लिखा है मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। मतलब ये हुआ कि ऐसा मटेरियल जो हमारे एनवायरमेंट में छुपा हुआ है, स्टॉक में है, ठीक है, पर हम मनुष्यों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सी वॉटर, समुद्र का पानी, यानी कि बहुत सारा पानी है, छोटे से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है 97% वाटर है समुद्रों के अंदर, ठीक है, और 3% वाटर लगभग जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है। तो हमारे पास स्टॉक में इतना सारा मतलब सी वाटर रखा हुआ है, पर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम उसे खारा पानी से मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकें। बात समझ में आई? ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक, यानी कि उसको किसमें रखा जाता है, स्टॉक में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैस। वाटर क्या है? कंपाउंड है, केमिस्ट्री में भी तुम्हें पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला होता है H2O। H2 का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो जलने वाली गैस है नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, दोनों ही एनर्जी के अच्छे सोर्स हैं। हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के बारे में तुमने सुन रखा होगा, ठीक है। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू नो हाउ टू यूज देम दिस पर्पज, हेंस इट कैन बी कंसिडर एज अ स्टॉक। इसलिए हम इसको किस में कंसिडर करते हैं, स्टॉक में कंसिडर करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट रिसोर्स है रिजर्व। कौन सा है? रिजर्व। जिसने मतलब गाड़ी चलाई होगी तो वो जानता होगा रिजर्व क्या होता है। जानते हो जब पेट्रोल अपने अंतिम दिनों में चल रही होती है तो उसको बचाने के लिए कुछ पेट्रोल गाड़ी रिजर्व कर लेती है, ठीक है, एमरजेंसी केस के लिए। अब इधर समझते चलो, रिजर्व आर द सबसेट, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट का मतलब होता है कि जैसे स्टॉक है, स्टॉक का मतलब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस रिसोर्स को यूज कर सके, पर रिजर्व क्या है कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए रखा गया है उसको हमने जमा करके रखा है। बात समझ में आई? जैसे पेट्रोल जो तुम्हारी गाड़ी में पड़ी रहती है, जब तक पेट्रोल तुम्हारी टंकी में रहेगी तब तक तुम उसे रिजर्व वाले को यूज नहीं करोगे। रिजर्व कब यूज होगी? जब टंकी तुम्हारी खाली हो जाएगी, तभी तो होती है। इसी तरह से यानी कि जो स्टॉक तुमने रिजर्व में बचा के रखे हैं, और पैसे की अगर बात करें जिसे कहते हैं सेविंग्स, ठीक है, लोग जमा करके रखते हैं यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तब इसे खर्च करेंगे, जब जरूरत नहीं पड़ रही तब तक जो जैसे चल रहा है वैसे हम चलाएंगे। बात समझ में आ रही है? विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब जब तक हमें उसकी टेक्नोलॉजी ना पता चल जाए तब तक हम उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते हैं। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इनका इस्तेमाल कब होता है? भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज बींग यूटिलाइज ओनली टू बी ए लिमिटेड एक्सटेंट। यानी कि नदियों के पानी को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने के लिए, पर आज के समय में इनका यूज कैसा है? लिमिटेड हो रहा है, ठीक है। दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट ETC इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। यानी कि जब भी हमें कभी पानी की कमी पड़ जाएगी तो हमारे जो रिवर में डैम्स में जो पानी का यूज हमने मतलब जमा करके रखा है, इनको हम क्या करेंगे, अपने इस्तेमाल के लिए भविष्य में उपयोग में ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमने सभी रिसोर्सेस कंप्लीट कर लिए,
समझ में आया तुम्हें? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ये चार टाइप के क्लासिफिकेशन थे। चारों टाइप के हमने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब नेक्स्ट हेडिंग एडवर्टाइज में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनको हम क्या बनाएंगे, थोड़ा डेवलप्ड बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जिनका यूज हम कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो इसमें लिखा है रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब क्या हुआ इसका कि बिना रिसोर्स के, जैसे सपोज दैट कि जैसे हम लोग अर्थ पर हैं, इसी टाइप से अगर हम लोग मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी दूसरे प्लेनेट पे भी लाइफ पॉसिबल है और हमको उस पर छोड़ दिया जाता है उस प्लेनेट पे, तो वहां पर हमारे पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? तो वहाँ हम अपने जीवन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ना हम वहाँ पर कुछ खा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ ना, हाँ मतलब पानी पीने का कोई अच्छा सोर्स होगा वहाँ पर। और अर्थ पर जब कंपेरिजन करोगे तो क्या देखोगे कि अर्थ पे रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप्ड हैं, और किसी अन्य प्लेनेट पे जहाँ पर थोड़ी देर के लिए सर्वाइवल पॉसिबल हुआ है, वहाँ पर रिसोर्सेज इतनी अच्छी तरह अवेलेबल नहीं है। तो तुम यहाँ से ये समझ पा रहे हो कि बिना रिसोर्स के ह्यूमन लाइफ कैसी है? इनकम्प्लीट है। कैसी है? अब कैसे इनकम्प्लीट है? अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी बेटा पढ़ा होगा तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि जैसे इतिहास में जो पढ़ाया जाता है कि मतलब सबसे पहले ह्यूमंस ने आग जलाना सीखा था, ठीक है? और उसके बाद क्या किया था? उसके बाद मतलब जो भी आज हम मेटल्स देखते हैं, जो केमिस्ट्री में तुम पढ़ के आते हो मेटल, तो सबसे पहले किस मेटल का यूज किया था उन्होंने? तांबा, कॉपर का यूज किया था, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और मतलब इसी तरह से वो आगे अपनी इकोनॉमी को भी सेट करने लगे थे। इकोनॉमी को कैसे सेट करने लगे थे? तो ये सब उस टाइम के लोगों के लिए क्या थे? रिसोर्सेस थे। क्या थे? रिसोर्सेस थे। बात समझ में आ रही है? उन्होंने खेती करना सीखा, उन्होंने मतलब क्या मकान बनाने, घर बनाने सीखे इस तरह से। क्योंकि तो आपने देखा होगा क्लास 8th में, अगर तुमने 9th में एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा होगा, तो झूमिंग नाम से एक एग्री खेती आई होगी, झूमिंग कल्टिवेशन आई है, पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी तो देख लेना, तुम्हारे इसी 10th में भी है झूमिंग। झूमिंग कल्टिवेशन में होता क्या था कि जैसे ये खेत है, इस पे इस हमने मतलब एक सीजन में खेती की, ठीक है? तो दूसरे सीजन में हम क्या करते थे, इस पूरी मतलब फसल को काटने के बाद जो बचता था उसको जला देते थे और दूसरे वाले खेत पे मतलब आगे निकल जाते थे। मतलब हम एक जगह पे नहीं रुकते थे, मतलब जो व्यक्ति पुराने टाइम में रहते थे वो एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो चलते फिरते खेती किया करते थे। बाद में वो मतलब इस तरह से अपने क्या मतलब एक जगह रुकना सीखे, क्योंकि खेती एक टाइम एक दिन का तो समय है नहीं है, उसके लिए 3 4 5 महीने का समय देना पड़ता है। तो इस तरह मतलब डेवलप्ड होते गए। तो तुम देख सकते हो कि वहां पर जो पाए जाने वाले रिसोर्स हैं और आज के रिसोर्स हैं, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। आज तुम खेती के लिए टेस्ट कर सकते हो मिट्टी हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है? क्लाइमेट कैसा रहेगा 4 दिन बाद या 8 दिन बाद, सब चीज तुम्हें बताई जा सकती है, ठीक है? बहुत सारी चीज। तो आप तुम देख सकते हो कि रिसोर्स पहले ज्यादा डेवलप्ड थे कि आज ज्यादा डेवलप्ड हैं? आज ज्यादा डेवलप्ड हैं। और कितने यूजफुल हैं? अब जैसे किसी व्यक्ति को 10 दिन तक मोबाइल ना दिया जाए तो वो बिना वो मतलब जैसे पक्षियों के पंख काट लिए जाए उसी तरह से हालत हो जाएगी बेचारे, फड़फड़ाता रहेगा उसे दिन, एकदम ऐसा लगेगा कि एक आध साल का हो गया वो। समझ में आई कि नहीं आई? तो मोबाइल तुम्हारे लिए क्या बन गया है? रिसोर्स। जय इसी का मतलब, इसी को कहते हैं वाइटल, मतलब बहुत उपयोगी है। बात समझ में आ रही है? रिसोर्स तुम्हारे लिए कैसे हैं? बहुत यूजफुल है, इसी को कहते हैं वाइटल, जो ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेस आर गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेस तुम्हें किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं बेटा। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि पर्यावरण ने, नेचर ने तुमको बिना भेदभाव किए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिए? रिसोर्सेज दिए, ठीक है? और इसी का कारण ये है कि आज ये रिसोर्स खतरे में आ गए। किसमें आ गए? खतरे में। कैसे आ गए हैं? इनके सुनते जाइए। कैसे? पहला पॉइंट लिखा है इसमें डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। डिप्लीशन का मतलब होता है घटना, डिक्रीज जो होता है
डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, मतलब क्या हुआ इसका ये बता सकते हो? कुछ लोगों के लालच के कारण रिसोर्स कम हो रहे हैं और इसका मतलब भुगतान यानी कि इसकी कमी का भुगतान सबको भुगतना पड़ रहा है। जैसे आज के टाइम में तुम राजस्थान में चले जाओ, गर्मी पड़ रही है, ठीक है, पानी की बहुत कमी रहती है उधर, रहती ही नहीं रहती है। और तुम तो अपने इधर साइड में आ जाओ, मैं मतलब एमपी यूपी की तरफ, ठीक है, यहाँ लोग समर लगा के भैंसिया नवा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात बताओ क्लियर है कि नहीं है? भैंस ना आ रही है उनकी, अब इनसे कहोगे खेत ये पानी कम खर्च करो तो हमारे खेत में समर लगी, तुम्हें क्या दिक्कत? हम बिजली फूक रहे हैं, हम बिल दे रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत? तो वो जो लोग ऐसा जवाब दे रहे हैं वो ग्रीडी हैं। ग्रीडी मतलब उन्हें खुद नॉलेज ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। समझ में आए? 4 दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम मतलब जिंदा रह सकते हो, पर 4-5 घंटे या 4 दिन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तो तुम जमीन पे बिछे दिखाई दोगे। समझ में आए? वीकनेस इतनी आ जाएगी कि तुम्हारे शरीर में पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, फिर तो तुम्हें जहाँ दिखेगा वहीं से तुम शुरू हो जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मतलब कुछ लोगों के लालच के कारण, ठीक है, अब जैसे ये तो पानी की बात हो गई, या कुछ लोगों से ऐसा कहो कि पॉल्यूशन मत करो। पॉल्यूशन ना करने का मतलब होता है जैसे जो कबाड़े वाले होते हैं उनके पास बहुत सारी मतलब कबाड़े में चीजें आती हैं, अब उन्हें जैसे ये बिजली की केबल वगैरह होती हैं उसमें से वो निकालना होता है तार, तो वो क्या करते हैं उसमें मिट्टी का तेल, पेट्रोल पेट्रोल जो मिलती है जला देते हैं, रबड़ जल जाएगी और क्या होगा, तार निकल आएगा, तार तो नहीं जलेगा, ठीक। तो अब जो रबड़ जलेगी, अब तुम सोचो उसके आसपास जो एरिया में जो लोग घर में रह रहे हैं उनके मतलब एयर का क्या हाल होगा? पॉल्यूशन, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में उन्हें उससे निकलने वाली बहुत सारी गैसेस सांस में जाएंगी उनके, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ये हो गया। दूसरी बात, किसी व्यक्ति से कहो कि ज्यादा मतलब गाड़ी का यूज मत करो, ठीक है, 4 कदम पे भी जाना है तब भी वो उसे गाड़ी चाहिए, ठीक है, मतलब पैदल चले जाओ जिससे तुम्हारे क्या है मतलब तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी, तुम ही फिट रहोगे। और आजकल जितने ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, नेका 40-50 हज़ार की नौकरी लग गई तो घर में 2-4-5 एसी तो वैसे ही ठुक जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस अब वो चारों एसी चलाएंगे तो पता कैसे चलेगा ये करोड़पति है गए पहले सड़कपति थे, ठीक है, ये चीज है। तो वो भाई तुम खुद ही बताओ, जब एसी से निकलने वाला धुआं वो मतलब जो गर्म गैस है तो वो जाएगी कहाँ? नेचर में तो रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? सीधी सी बात है, जब नेचर में रहेगी तो वो नेचर को टेम्परेचर गर्म करेगी। बात क्लियर है? अगर जैसे अभी तुम 10th में आए हो तो 10th में तुम्हें फर्स्ट चैप्टर मिलेगा जेई हिस्ट्री का, तो उसमें यही बताया गया है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इसमें हेडिंग है द एज ऑफ, ये बात मतलब उसमें ये बात बताई गई है कि जैसे पहले फटाफट एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स दैट इज हैव एंड हैव नॉट और रिच एंड पुअर। मतलब इसमें जो बताया गया है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि मतलब कुछ रिसोर्स की जो शक्ति है वो कुछ लोगों के हाथों में है। कुछ लोग जैसे तुमने देखा होगा इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में वो तुम्हें दिखाया गया था, वो व्यक्ति गाड़ी में बैठा था और वो मेज के नीचे बैठी थी, ठीक है, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट था और दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट नहीं था। विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट, तो ये सोसाइटी को कितने सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं? दो, एक तो वो लोग जिनके पास रिसोर्स है जो अपने आप को रिच कहते हैं, ठीक है, और दूसरे वो लोग जिनके पास रिसोर्स नहीं है तो वो अपने आप को पुअर समझते हैं। बात समझ में आई? रिसोर्स से मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी लग गई बढ़िया ठीक ठाक, उसने 3-5 घर बनवा लिया, गाड़ी आ गई, घर एकदम ताजमहल की तरह दिख रहा है, ठीक है, नक्काशीदार, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तो नक्काशीदार दिख रहा है, जब वो बेचारा खुद 50-60 साल का होगा तो वो ही नक्काशीदार हो जाएगा उस घर में रह रहे के। तब डॉक्टर उसे नक्काशी बनाएंगे कि इधर से इंजेक्शन उधर से इंजेक्शन, जीवाई टेबलेट अच्छी है, ठीक है, आज जीवाई टेस्टिंग करवाओ, डायबिटीज बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है, ठीक है, ये चीज है। इस तो ये ज्यादा रिसोर्स का यूज करोगे तो यही होगा, ठीक। दूसरी बात, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स हैव लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन,
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली ठीक है या रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन करेंगे, एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण, यानी कि जरूरत नहीं है तब भी हम मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो इसमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कौन सी? जैसे सब छोटे से पढ़ के आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, देख ही रहे हो दिल्ली का क्या हाल होता है हर साल सर्दियों में, ठीक है। इस बार दिल्ली सरकार ने पहले से ही अक्टूबर से लेके फरवरी तक दिल्ली के अंदर ट्रक एंट्री नहीं होगी, कल से मतलब घोषणा कर दी इसमें। और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जमीन की जमीन खराब हो जाना, यानी कि जमीन की जो अपर लेयर होती है जिसको हम फर्टाइल कहते हैं उसको बनने में बहुत सालें लग जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये कारण हमारे सामने देखे जा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए एक नाम दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या नाम दिया गया था? यानी कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो आज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे और फ्यूचर जनरेशन को या फ्यूचर रिसोर्स को खराब होने से बचाए। बात समझ में आई? जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तुमने पढ़ा है, उस टाइम की रिक्वायरमेंट ये थी कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए वीट का, तो प्रोडक्शन तो हो गया, तो पर तुमने केमिकल फर्टिलाइजर लगा लगा के जमीन खराब कर ली प्लस अपने आप को बीमार कर लिया। बात समझ में आई? तो ये उस समय की नीड को तो फुलफिल कर गया पर फ्यूचर के चीजों को क्या कर दी इसने, खराब, और वाटर डिप्लीशन शुरू हो गया। बात क्लियर है? अब हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? हिंदी में इसे कहते हैं सतत विकास, सतत विकास।